यकीन करें बहुत बुरे हालात हैं। शुगर पेशेंट हूँ मैं, बहुत बुरे हालात है। हमने सर्वाइव करेंगे, 210 रुपये पेट्रोल होगा। देख ले अभी हाफ लीटर डलवाया, बहुत बुरे हालात है। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, झोली उठा के दुआ करता हूँ अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। इनको समझ ही नहीं आ रहा हाउ टू डील विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स, कि कैसे डील करना है। और जब तक हम बेकारी रहेंगे ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। दो कूफते लेके आती गवर्नमेंट को पाकिस्तान में, एक मीडिया और एक आर्मी। ये जिसको चढ़ा दें चढ़ा दें, जिसको दिल करे गिरा दें। जो गरीब आवाम है ना इस टाइम, वो सही पिस चुकी है। और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है ना, ये बिल्कुल नकारा गवर्नमेंट हो चुकी है। इनको घर बैठ जाना चाहिए। हुकूमत ने हालात ही ऐसे बना दिए हैं कि लोग जो है ना, अब घरों में ही बैठेंगे। पहले मैं तकरीबन इमरान खान के दौर में, यानी आज से एक महीना पहले, 140 का डलवाता था, अब 240 का डलवाना पड़ता है, तब जाकर गुजारा होता है। मेरे ख्याल में ये जो IMF से मुआहदा जो भी कर रहे हैं या जिस तरह भी किया, ये गुलामी है। हमें जब 30% पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, तो फिर हमें ये रजीम चेंज कर दी, हमें पेट्रोल वहाँ से नहीं लिया गया, क्योंकि आवाम की उसमें भलाई थी। नसीम सा को सलाम, सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ आपका मेज़बान साजा गौरी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजा गौरी के साथ। नाज़रीन, आज हमारा ये प्रोग्राम महंगाई के ऊपर है। जिस तरह आपने देखा है कि पेट्रोल किस तरह हफ्ते के अंदर 60 रुपये महंगा हो गया, पहले 30 रुपये हुआ, फिर 30 रुपये हुआ। लेकिन इस पेट्रोल महंगे होने के साथ साथ दूसरी चीज़ें जो हैं, जिसमें घी, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें महंगी हुई। मैं इस वक्त लिंक रोड जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर मौजूद हूँ, मॉडल टाउन के अंदर, और मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करूँगा और उनसे पूछूँगा कि किस तरह आप इस महंगाई को देखेंगे और सर्वाइव करेंगे। क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट ने IMF से जो कर्ज़ा लिया है, IMF की जो शराइत थी वो यही थी कि आप जाकर पेट्रोल महंगा करेंगे तो फिर हम आपको कर्ज़ा मज़ीद देंगे। क्योंकि इनका यही कहना है कि पिछली गवर्नमेंट ने उस IMO के ऊपर साइन किया था, जिसकी शराइत यही थी कि आप वहां पर जाकर पेट्रोल महंगा करेंगे तो हम आपको कर्ज़ा देंगे। लेकिन वो हुकूमत नहीं रही, लेकिन अब जो हुकूमत है उन्होंने सर्वाइव किया, 2-3 हफ्ते पेट्रोल को नहीं छेड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी पेट्रोल महंगा कर दिया। तो मैं मज़ीद लोगों से बातचीत करूंगा और उनसे पूछूंगा कैसे सर्वाइव करेंगे आप, आज की जो कीमत बढ़ी है 30 रुपये और इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है वो 210 रुपये है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। जी भाई, जिस तरह पेट्रोल 60 रुपये महंगा हो चुका हुआ है, 30 रुपये एक दफा हुआ, 30 रुपये हुआ, आपकी रोज़ की इनकम क्या है और कैसे सर्वाइव कर रहे हैं एक बाइक को? जी ये बात है कि हम सैलरी पर्सन लोग हैं, ठीक है, तो पहले इन्होंने 30 रुपीज़ पहले इंक्रीज़ किया है, अब 30 रुपीज़ दोबारा कर दिया है। तो इनको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो उन्हें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम सैलरी पर्सन लोग हैं, हमें मसला होता है। 5 रुपये बढ़ जाए वो चलो समझ में आती है, 10 रुपये बढ़ जाए, लेकिन एकदम से इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिया तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। और गुम्मल को थोड़ा सा जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका ख्याल करना चाहिए कि ये लोग जो है ना, इनके सैलरी में नहीं पूरा हो सकता। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सैलरी पेशा लोग हैं, अब प्राइवेट सेक्टर को भी जिस तरह पेट्रोल महंगा हो गया, सैलरी को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग इस तरह की जो जॉब्स कर रहे हैं उनका भी सर्वाइव हो सके। इसी तरह ही आपके जो प्राइवेट सेक्टर को भी देखे ना, मैं मतलब जॉब पे जाता हूँ, मेरा डेली का तकरीबन 1.5 से 2 लीटर फ्यूल लग जाता है बाइक पे। तो आप इसका हिसाब लगाएं, कोई मंथली कोई 8-9 हज़ार रुपये का फ्यूल बन रहा है, तो मैं सैलरी में से तो नहीं ना अफोर्ड कर सकता। ये चीज़ें हुकूमत को देखनी चाहिए ताकि आवाम जो है ना उनके साथ रहे। कोई भी हुक्मरान बैठता है, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, ठीक है, वो अगर आवाम को सहूलत देगा तो आवाम भी उनके साथ रहेगी। जी ये बताइएगा कि जिस तरह एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये 30 रुपये महंगा हुआ, फिर 30 रुपये महंगा हो गया, पेट्रोल इसका 210 रुपये है, तो क्या आपके पास अखराजात हैं ऐसे कि आप पेट्रोल को अफोर्ड कर सकें? सर अभी तो फिलवक्त जो सूरत हाल है, तो इसको अफोर्ड करना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो गरीब आवाम है ना इस टाइम, वो सही पिस चुकी है। और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है ना, ये बिल्कुल नकारा गवर्नमेंट हो चुकी है। इनको घर बैठ जाना चाहिए, ये अपने फ्लैट्स बेचें, अपनी वहाँ की प्रॉपर्टी सेल आउट करें, यहाँ पे पाकिस्तान में लेके आने, इनको पता चले ये वहाँ पे अपने फ्लैट बना के वहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको इंक्रीज़ करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। गरीब बंदा कैसे सर्वाइव करेगा? या तो उसका कोई सलूशन बताएं।
या उनकी प्राइजेज अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो गरीब बंदे की सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम को फ़ायदा होगा, उसकी परसेंटेज बढ़ेगी। जो प्राइवेट हमारे जैसे वर्कर्स हैं जिनकी एक मिनिमम सैलरी 20,000 है, वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? हमारे साथ आज की यूथ भी मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। बेटा सर, आपकी पॉकेट मनी क्या है? 100 रुपीज़। तो बाइक भी चला रहे हैं साथ आप? जी। तो अब कैसे सर्वाइव करेंगे? 210 रुपये पेट्रोल हो गया। एक दिन की पॉकेट मनी रख के एक दिन पेट्रोल डलवा लेंगे। नहीं तो एक दिन घर पे बैठोगे? ऐसे ही है, क्योंकि हुकूमत ने हालात ही ऐसे बना दिए हैं कि लोग जो है ना अब घरों में ही बैठेंगे। नहीं तो जो पिछली गवर्नमेंट में भी तो 150 रुपये लीटर था पेट्रोल, तो अभी 210 रुपये हो गया, तो क्या वजह है? पहले भी तो आप अफोर्ड कर रहे थे 150 रुपया, 60 रुपये बढ़े हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़े? 60 रुपये एक अमाउंट है, ठीक है, और ये जो लोगों ने बढ़ गया है, ये एक दिन एक हफ्ते में ही जो है ना कि इतने पैसे इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, नाजरी आप देख सकते हैं कि ये बच्चा अभी स्टूडेंट है और ये कुछ कमा नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये वो 60 रुपये जो बढ़े हैं पेट्रोल के अंदर, ये उसकी वैल्यू को जान रहा है। ये कह रहा है कि ये 60 रुपये बढ़ गए हैं तो ये हमें पता कि कैसे सर्वाइव करेंगे, और 100 रुपीज़ इसकी पॉकेट में नहीं है। वो ये यही कह रहा है कि 100 रुपये में मैं कैसा पेट्रोल पूरा करूँगा। तो मैं कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो 210 रुपये पेट्रोल, वो किस तरह लोग सर्वाइव करेंगे। तो आइए कुछ लोगों से उसी बात करते हैं। सर ये बताइए कि 210 रुपये पेट्रोल हो गया है, पहले 150 था, फिर 30 रुपये बढ़ा, फिर 30 रुपये बढ़ा, अच्छा कैसे सर्वाइव करेंगे आप? कर लेंगे, 500 रुपये लीटर भी हो करेंगे। मतलब कि आपको तराज कोई नहीं है? तराज नहीं किसी किस्म का, 1,000 रुपये भी लीटर हो पाकिस्तानी करेंगे। अच्छा पाकिस्तानी करेंगे? हाँ पाकिस्तानी करेंगे। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को कोई पैगाम नहीं देंगे कि? बिल्कुल देंगे। क्या गवर्नमेंट वही होती है जो दो कूफते लेके आती गवर्नमेंट को पाकिस्तान में, एक मीडिया और एक आर्मी। ये जिसको चढ़ा दें, जिसको दिल करे गिरा दें। ठीक है, अगर मेरी गल बाद में झूठ है, मेरा कान पकड़ के उधर कर दें साइड पे, मीडिया और आर्मी। ठीक है, आर्मी और मीडिया, ये दो कुवतें हैं, ताकत है पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, जिसको चाहे वो बढ़ाए ऊपर चढ़ा दे, दिल को चाहे नीचे गिरा दे। 1,000 रुपये लीटर भी होगा ना पाकिस्तानी खरीदेंगे। ठीक है, पता क्यों? ये सबसे बड़ी आपकी रोज़ की इनकम क्या है, जॉब करते हैं आप? यकीन करें बहुत बुरे हालात हैं, शुगर पेशेंट हूँ मैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो हमने सर्वाइव करेंगे 210 रुपये पेट्रोल हो गए। देख ले अभी हाफ लीटर डलवाया, बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, झोली उठा के दुआ करता हूँ अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह इनको दुनिया में इबरतनाक बना दे, आखरत की तो दूर की बात है, दुनिया में इबरतनाक बना दे इनको, इनका बेड़ा गर्क हो अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। सर ये बताइएगा कि किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? एकदम से पेट्रोल 30 रुपये फिर महंगा होगा, रात का तो 210 रुपये है, रोज़ की इनकम क्या है आपकी? हाँ देखिए जी, हम तो मज़दूर लोग हैं, सर्विस करते हैं, और देखे कि ये पहली हुकूमत ने बहुत महंगाई की थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो इंतहाई कर दी है, गरीब लोग पिस रहा है बेचारा। चलो जो लोग बिज़नेस करते हैं उनका तो गुजारा हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग जॉब करते हैं उनका बड़ा बुरा हाल है, और हुकूमत को कुछ इसको बदल सोचना चाहिए। पहले आपका जो डेली का जो पैसे थे वो क्या थे? क्या आज मैंने बाइक के ऊपर और जो डेली के लिए ये अमाउंट रखी है, तो अब की क्या करेंगे आप? डेफिनेटली पहले मैं तकरीबन इमरान खान के दौर में, यानी आज से एक महीना पहले, 140 का डलवाता था, अब 240 का डलवाना पड़ता है, तब जाकर गुजारा होता है, और गाड़ी चलानी तो बंद ही कर दी है। 30 रुपये पहले बढ़ा, 30 रुपये फिर बढ़ गया है, कैसे सर्वाइव करेंगे आप? बाइक चलाते हैं डेली की आप? सर्वाइव बहुत मुश्किल हो गया है, आम बंदा बहुत ज़्यादा पिसेगा और पिस रहा है। 30 रुपये पहले बढ़ाए 30 रुपये, और अभी सुनने में ही आ रहा है कि अभी मज़ीद महंगाई करने जा रहे हैं, मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा। तो यकीन माने इन लोगों से, इन चोरों से कुछ भी और मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए वबाले जान बन कर आए हैं। मौजूदा गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि IMF की शर्त है कि महंगाई पेट्रोल महंगा करेंगे तो आप कर्ज़ा मिलेगा, ये तो हमारे लिए पैसे आ रहे हैं, हमारे मुल्क में चलेंगे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं सही कर रहे? मेरे ख्याल में ये जो IMF से मुआहदा जो भी कर रहे हैं या जिस तरह भी किया, ये ग़ुलामी है। हमें जब 30% पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, तो फिर हमें ये रजीम चेंज कर दी,
हमें पेट्रोल वहाँ से नहीं लिया गया क्योंकि आवाम की उसमें भलाई थी, आवाम की बेहतरी थी और इन लोगों ने उस चीज़ को ख़त्म किया और ग़ुलामी को तस्लीम किया। ग़ुलामी को ये पसंद करने वाले लोग हैं और ग़ुलामी को ही पसंद करेंगे, हमेशा ग़ुलाम रहेंगे और हम ग़ुलाम नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी और दोबारा हम सबको रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, 30 रुपये पहले हुआ, 30 रुपये अब हो गया। आपका पहले डेली का खर्चा क्या था और अब कैसे होगा, कैसे सर्वाइव करेंगे? खर्चा तो हमारा डबल हो गया पहले से काफ़ी, इतना महंगा हो गया, अब हर चीज़ महंगी, खाने पीने की चीज़ हर चीज़ महंगी हो गई है। अब तो गरीब बंदा तो बेचारा पिस के रह गया है, तो अब क्या करें, हुकूमतों पर रहम करो पे छोड़ दिया हम लोगों ने, बस क्या कर सकते। गवर्नमेंट तो यही कहती है कि IMF के लिए वहाँ पर साइन किए गए थे पहली गवर्नमेंट ने कि ये पेट्रोल महंगा करेंगे तो आपको कर्ज़ा मिलेगा, तो यही वो कर रहे हैं, उन्होंने इसलिए पेट्रोल महंगा किया है, तो ये उनकी मजबूरी थी ताकि पैसा आएगा मुल्क में सर्वाइव होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? जाहिर जी वो पहले एग्रीमेंट उन्होंने किए हुए हैं, पहले गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है, वो पहले गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए हुए हैं, इसी वजह से पेट्रोल महंगा रुका हुआ था, पेट्रोल उन्होंने नहीं बढ़ाया, अब एकदम से उन्होंने एकदम से वो हुकूमत ख़त्म हुई है और साथ ही उन्होंने ये IMF ने प्रेशर किया है, तो वो ये गवर्नमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर कुछ नहीं कह सकते, अभी तो जब भी नहीं आए देखे क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी देखें क्या करते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, कैसे सरवाइव करोगे? मैं ना रोटी नहीं पूरी हो रही बॉस, अगर 1200 रुपया बटिया तो 800 का पेट्रोल पोया है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। तो उनकी किराया बताओगे? जाहरी गल है, सवारी बवेगी, सवारी बवेगी, जिन्हें जाना बेचारे ने उन्हें तो जाना मजबूरन, कोई लड़ते ने इन्हें किराया लवो। तुम IMF के बारे कुछ पता है? अच्छा, साड़ी गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया, पिछली गवर्नमेंट ने जाके IMF तो जो कर्जा मिलता है उन्होंने कहा जी कि जी तुम पेट्रोल महंगा करोगे तो तुम मजीद कर्जा दिता जाएगा, हूँ यही गवर्नमेंट दोबारा कर्जा लैन गई तो उन्होंने यही किया है। तुहाडे ख्याल है कि उन्होंने इसलिए महंगाई की है कि पैसा पाकिस्तान जाए, ये तो तुम की कहोगे? नहीं, कर्जा नहीं लैना चाहिए, इतने का बिजनेस इतने रहना चाहिए। जिस तरह पेट्रोल महंगा हो चुका हुआ है, 30 रुपये पहले बढ़ा, 30 रुपये अब बना, कैसे सर्वाइव करेंगी आप? जॉब भी कर रही हैं साथ, तो इस तरह महंगाई बढ़ती जाएगी, तो क्या फ्यूचर देख रही हैं आगे? कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, सर्वाइवल इतना डिफ़िकल्ट हो गया, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर वालों का जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उनके लिए तो कोई मरात नहीं है, मरात तो सारी पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े जो अहदेदार हैं उनके लिए, उनको, या फिर अगर ये हमारे साथ ये जुल्म करना ही चाहते हैं तो ये फिर करें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स उन सबको भी कहें अपने पल्ले से अपनी सैलरी से वो जाके परचेज़ करें, उन्हें पता चले कितनी महंगाई है कि घर की ग्रोसरी तक लेना मुश्किल हो गया, घर का बजट चलाना कितना मुश्किल हो गया है, कि आपके घर में कोई बीमार भी है उसकी मेडिसिन लेनी है, घर की ग्रोसरी लेनी है, बच्चों को पढ़ाना, या जो बाकी नीड्स हैं वो तो लग्जरीज में अब लाने लग गई हैं, ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी है इन लोगों ने। अब इस तरह एक हफ्ते के अंदर जो प्रोडक्ट्स बढ़ती जा रही हैं, महंगाई होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को अब चाहिए कि जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उनके लिए कुछ होना चाहिए, कोई पैकेज होना चाहिए उनके लिए, कोई मरात होनी चाहिए, कोई चेक इन बैलेंस होना चाहिए कि उन बेचारों को इतने पढ़ने लिखने के बाद वो प्राइवेट सेक्टर जो अच्छी खासी बच्चों से जो है वो बच्चे या और भी दीगर जो इदारे हैं उनमें अच्छी खासी जो है वो इनकम उनकी अपनी है, तो उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको क्यों नहीं अच्छा दिया जा रहा, और सबसे बड़ी बात उन बेचारों को भी मरात दी जाए ताकि वो अपने इदारे अच्छे से चला सकें, उनके लिए कितनी मुश्किल होगी है, तो इस मुल्क में बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं, इनको सोचना चाहिए आम आवाम के लिए। अरे जिस तरह IMF की ये शरायत थी कि आप पेट्रोल महंगा करेंगे तो आपको कर्ज़ा दिया जाएगा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने वहाँ पर साइन किए थे, तो यही गवर्नमेंट यही पैगाम दे रही है कि हमने उसी शरायत को मान कर कर्ज़ा लिया है और मजबूरी है हमारी, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड तो हम PTI से भी नहीं थे, लेकिन आई थिंक दे वर बेटर देन दिस गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट जो है ये अब कह रहे हैं ना, उस वक्त तो ये कहते थे इमरान खान बढ़ाए क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नहीं उसने गलत किया बढ़ाया क्यों नहीं, अब ये क्यों कर रहे हैं सारे काम, तो कहीं ना कहीं गलती जो है वो उनकी भी थी, लेकिन ये गवर्नमेंट जो कर रही है ये तो इंतहा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा हाउ टू डील विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स, कि कैसे डील करना है, और जब तक हम बेकार ही रहेंगे ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, हमें खुद पर अपने पाँव पर खड़े होना सीखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर PTI गवर्नमेंट भी इस वक्त यहाँ पर होती तो शायद वो भी ये पेट्रोल इतना महंगा करती। बिल्कुल करती, लेकिन शायद इतना महंगा ना करती जितनी इन्होंने, और कल देखें इन्होंने सिर्फ वो नहीं करवाई, बिजली भी महंगी कर दी है, गैस भी महंगी कर दी है, दीगर चीज़ें भी, आप खाने पीने की अशिया देख लें, क्या खुद डोनेशन हमारे अपने जो है इख्तियार में रहेगा कि हम जाके ख़रीद सकें, घी को देख लें, चावल है, बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं ये ख़रीदना मुश्किल होगा, और कहने को ये पैकेज दे रहे हैं जी हम ये पैकेज लाएंगे वो कहीं अमली तौर पर नज़र नहीं आ रहा,
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आम आवाम जो कि आम तबका है जो पिस रहा है इस महंगाई की चक्की में, उनके लिए कुछ सोचा जाए। बड़ों के लिए तो आपने काफ़ी कुछ कर दिया है, तो हमारे लिए भी आप कुछ करें। नाज़रीन, जिस तरह आपने लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों का कहना यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जो पेट्रोल इसे 210 रुपये हो गया है, ये हमारे लिए जो है मुश्किल है बहुत ज़्यादा कि हम इससे सर्वाइव कर सकें और किस तरह हम अपने आप को मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेली वेजेस वाले लोग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और घर की जो फैमिली के जो लोग हैं वो भी हैं और ख़वातीन भी हैं जो जॉब कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमारा जो ये तबका जो ये पिस रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि महंगाई करने से पहले, पेट्रोल महंगा करने से पहले कुछ ना कुछ रिलीव कर देते इन लोगों के लिए जो कि बी क्लास में आते हैं, जो कि ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं और ना किसी से मांग सकते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो साइकिल पर चलने वाली हो गई है कि आप एक साइकिल ले लें और उसके ऊपर एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरा अपना टाइम बचाएं, क्योंकि पेट्रोल महंगा तो होगा, गाड़ियाँ भी चलेंगी, लेकिन जब साइकिल पर लोग आ जाएंगे तो वह पेट्रोल नहीं महंगा होगा और ना बिकेगा। ये हल नहीं है, हल यही है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिलीव करना चाहिए आम आवाम के लिए, क्योंकि आम आवाम ही इस महंगाई में पिसती है, क्योंकि गाड़ियों वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको वो तो गाड़ी में आए पेट्रोल लगाए चले गए, लेकिन जो गरीब आवाम है वही पिसती है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन तारक पहला को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।